ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भृगुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविदान स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यतेस्तारिणे। मुखम करोति वाचालं भंगुं लंगाचिन गिरिं यत् कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारणं परमानं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग दीक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ जैसा कि मुझे सेवा दी गई थी कि कुछ जो नए लोग दीक्षित हो रहे हैं तो कुछ कुछ लोगों को सेवा दी जाती है कि आप उन लोगों के फ़ोन पर बात कीजिए और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कीजिए। तो पिछले कुछ सालों से ये सिस्टम चालू हुआ और मैं हर साल कुछ कुछ लोगों से बात करने का मौका मिलता है। तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन होता है शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन होता है, आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं। और इसके बहुत तरह के आंसर हमें पता चलते हैं। लोगों बहुत तरह के लोगों से बात करते हैं तो बहुत तरह के आंसर पता चलते हैं कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हमें करनी है या हमें भगवत धाम गोलोक वृंदावन प्राप्त करना है, सुखी रहना है, आध्यात्मिक कल्याण करना है, गुरु बिना गति। तो बहुत तरह के आंसर्स होते हैं और देखा जाए तो जितने तरह के लोग उतने तरह के इसके आंसर हो जाते हैं कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, है ना। अब वैसे इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए कुछ दिनों के अंदर आप लोगों की सबकी दीक्षा हो जाएगी और जो संसार में अनंत जीव घूम रहे हैं ना, प्रताड़ित अवस्था में, दुखी अवस्था में, उसमें से आप कुछ लोग उनकी कैटेगरी से बाहर होकर सौभाग्यशाली जीवों की कैटेगरी में आ जाओगे, है ना। सुखी जीवों की कैटेगरी में आप आने वाले हो और वो होगा कैसे, क्योंकि आपकी दीक्षा हो जाएगी ना। तो दीक्षा क्यों ले रहे हैं इसका हमें सटीक उत्तर जानना चाहिए, है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इसका उत्तर है वो अगर हम जान जाएंगे, वो कार्य हम करेंगे, तो जितने ये 70 तरह के आंसर है ना, हमारे अलग अलग प्रयोजन है ना, वो गलत नहीं है प्रयोजन, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, अधर्म, इस गलत नहीं है। लेकिन इन सबका फुलफिलमेंट एक मार्ग से होता है, एक पथ पे चलने से होता है, एक रास्ते से होता है। ये मूल मंत्र है ना, ये जो हमारे डिस्कस कर रहे हैं कि चाहे कितने तरह के प्रयोजन हो लेकिन मार्ग एक ही है, रास्ता एक ही है, अलग अलग नहीं है रास्ते। अगर उस एक रास्ते को पकड़ेंगे तो 70 पूरे हो जाएंगे, और अगर उस एक रास्ते को इग्नोर कर दिया, उस एक रास्ते को ठीक से नहीं चले, इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, है ना, तो वो 70 में से एक भी प्रयोजन पूरा नहीं होगा, कोई सा प्रयोजन पूरा नहीं होगा। तो वो एक मार्ग, वो एक रास्ता कौन सा है, गुरु की सेवा, है ना। और गुरु की सेवा वो रास्ता है जिससे जिस पे चलने से आपका ध्यान चाहे कहीं ना हो, चाहे कृष्ण प्रेम के बारे में आप कभी सोचो ही ना, या आपको पता ही ना हो, चाहे गोलोक धाम के बारे में आप सोचो ही ना, आपको पता ही ना हो, आध्यात्मिक कल्याण, बड़ी बड़ी बातें, शास्त्रिक बातें,
बड़े भारी भारी श्लोक, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप गुरु सेवा के पथ पर चल रहे हैं तो आपका सारे पर्पस फुलफिल हो जाएंगे, सब फुलफिलमेंट हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। और अभी शायद 15 तारीख की दीक्षा है अक्टूबर में, तो 15 तारीख या 13 तारीख जो भी है उसके बाद से आपके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, गुरु की सेवा है ना। हमारा सब कुछ, हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हमारा सब कुछ, हमारा घर, हमारा जीवन आज के बाद से, हमारी संपत्ति, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, जान पहचान, हमारा यश, हमारा हुनर, जो कुछ भी है वो सबका एकमात्र स्वामी है हमारे गुरु, है ना। उस सबके एकमात्र स्वामी हमारे गुरु। हाँ, एज अ कस्टडी वो हमारे पास रखा हुआ है, एज अ कस्टोडियन, जो कि हमारा धन है, परिवार है, नौकरी है, हमारा हुनर है, सब कुछ वो है हमारे पास, लेकिन वो सब लगना है अल्टीमेटली गुरु की सेवा में। जब ये होगा, है ना, जब ये अंडरस्टैंडिंग होगी और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ गुरु की सेवा होगी, तो आपका कृष्ण प्रेम, बैक टू गॉड हेड, आध्यात्मिक कल्याण और जितने भी ये 70 तरह के प्रयोजन है, सब सब फुलफिलमेंट हो जाएंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं। एक साधारण उदाहरण से समझते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल और सिंपल उदाहरण मैंने बनाने का प्रयास किया है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे एक धनी व्यक्ति है, धन्ना सेठ बोलते हैं ना, धन्ना सेठ बड़ा धनी व्यक्ति है, एक अंबानी, और इकलौती बेटी है उसकी, आगे पीछे कुछ नहीं, पिता और बेटी बस, है ना, और बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है। अब अगर एक युवक देखे कि ये इतना धनवान व्यक्ति है ना, और इसका सारा धन, इसका व्यापार मुझे मिल जाए तो कैसा रहे, है ना, तो कैसे किया जाए ये। अब सेठ तो बड़ा शाना है, इस स्तर पर पहुंचा है, तो बेवकूफ तो होगा नहीं, शाना है तो वो तो फंसेगा नहीं। तो इंटेलिजेंटली उस युवक को क्या करता है कि उसकी बेटी से प्रेम कर लेता है, उसकी बेटी की अच्छे से सेवा करता है ना। तो बेटी के जब खूब से प्रेम, खूब प्रेम के साथ सेवा करी, तो सारा जो जो पिता है वो अपने आप उसके पास आ जाएगा, उस लड़के के पास, उसका धन, उसका व्यापार, सब कुछ अपने आप उसका हो जाएगा, है ना। तो उसने क्या किया कि सिर्फ सेवा करी और धन, उसका घर, उसका बड़ा बंगला, उसका सारा व्यापार, वो सब ऑटोमेटिकली उसके पास आ गया, अलग से उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका ध्यान धरने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो वो जो धन्ना सेठ है वो है वो भगवान श्री कृष्ण, है ना, उसके पास बहुत कुछ है, जिस गोलोक धाम को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके स्वामी वो है ना। और वो जो बेटी है जिसके हम बात कर रहे हैं, वो है गुरुदेव, है ना। तो वो जो बेटी है बड़ी प्रिय है सेठ जी को, तो हमारे गुरु उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को बड़े प्रिय हैं। तो हम अगर उनकी सेवा में लगते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा में लगते हैं, तो फिर हमें अलग से गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे होगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। बस बेटी से प्रेम करेंगे तो वो उसके पिताजी अपने आप सब कुछ दे देंगे उसको, दामाद को, है ना। उसी प्रकार से जैसे ही शिष्य गुरु से प्रेम करेगा, कृष्ण अपने आप सारे रास्ते खोल लेंगे, अपना गोलोक, अपने वैकुंठ, ऐश्वर्यशाली, इतने ऐश्वर्यशाली धाम है भगवान के, सब खोल लेंगे, सारे रास्ते खोल लेंगे, अपना प्रेम भी दे देंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम गुरु की सेवा में लगें और गुरु निष्ठा के साथ गुरु की सेवा में लगें। देखिए, जिस परंपरा में आज हम सब लोग दीक्षित होने जा रहे हैं, आज नहीं मतलब जल्दी तो हम दीक्षित होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर गुरु निष्ठा ही सर्वोपरि भक्ति का अंग है। आदो गुरु पादाश्रय, है ना, आदो मतलब सर्वप्रथम, भक्ति के अंगों का वर्णन करते हैं भक्ति सामसविंदो में श्रील रूप गोस्वामी पाद, तो बोलते हैं आदो गुरु पादाश्रय, आदो मतलब सर्वप्रथम और पादाश्रय मतलब गुरु का चरणों का आश्रय ग्रहण करना, उनकी सेवा में लगना। ये नहीं है चरणों का आश्रय का मतलब कि मैंने दीक्षा ले ली, आप गुरु अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, है ना, ऐसा नहीं है। हम हमारे आचार्यों को देखें, जितने भी गुरु परंपरा में आते हैं और जिनके हम उपासना करते हैं, उन सबका जीवन गुरु निष्ठा की एक सुंदर मिसाल है, बेमिसाल मिसाल है, बहुत सुंदर। जैसे श्रील प्रभुपाद, है ना, उनके गुरु ने उनसे फर्स्ट मीटिंग में क्या कहा कि तुमको अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है, पर तो तुम पाश्चात्य देशों में जाके क्यों नहीं प्रचार करते,
इस एक आदेश को उन्होंने शिरोधार्य करके अपने हृदय में इसको धारण करके और लगे रहे लगे रहे लगे रहे इस प्रयास में। और कई बार होता है कि हम लोग कुछ प्रयास करते हैं लेकिन असफल होते हैं, तो बाद में सोचते हैं कि क्या पता भगवान ने हमारे लिए नहीं सोचा होगा, है ना। लेकिन ऐसा देखिए गुरु की आज्ञा में एप्लीकेबल नहीं होता। कई बार होता है हम आईएएस कर रहे हैं, ठीक है, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं, एक दो बार फेल हो गए, तीन बार फेल हो गए, तो हम क्या सोचते हैं कि डेफिनेटली हमारे भाग्य में नहीं होगा। और वो सोचना सही भी है, वो भाग्य में नहीं होता इसलिए आपको बार बार करने पर भी नहीं मिल रहा। लेकिन गुरु के केस में ऐसा नहीं है। अगर गुरु ने कोई आज्ञा दे दी तो बिल्कुल आप करोगे उसको। आपके अंदर कितनी दृढ़ता है, कितनी गुरु के वाक्यों को लेकर श्रद्धा है, उस पर सारा डिपेंड करता है। गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्त ते करिया एक। सुबह गाते हैं ना गुरु पूजा में कि गुरु के मुख कमल से जो वाक्य निकल जाए, चित्त ते करिया एक। एक क्या मतलब होता है, समाविष्ट कर लेना, एक एक जीव कर लेना, बिल्कुल, है ना। तो चित्त में उसको ऐसे समाविष्ट कर लो कि उसके अलावा किसी चीज का स्थान ही ना रहे। अपने चित्त में गुरु की आज्ञा को ऐसे समाविष्ट कर लो कि उस चित्त में किसी और चीज के लिए कोई स्थान ही ना रह जाए। तो प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने बोला कि आप पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो, आपको अंग्रेजी आती है। तो प्रभुपाद लगे रहे लगे रहे लगे रहे और इतनी पक्की गुरु निष्ठा दी कि 40 साल बाद वो अपनी आज्ञा में उनके गुरु की आज्ञा को पूरा करने में सफल हुए। लेकिन तब तक सफल नहीं हुए, तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं, जान पे आ गई इस दौरान, है ना। दो बार हार्ट अटैक आए और कई बार हमले हुए प्रभुपाद पे अमेरिका में, लेकिन छोड़ा नहीं क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। घर परिवार सब चला गया, उनका कारोबार चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन चित्त से करिया क्या। चित्त में तो एक ही चीज चाहिए थी, गुरु की आज्ञा का फुलफिलमेंट होना चाहिए, बाकी और कुछ चाहिए नहीं। तो सब जाता रहा तो भी उनको डिस्टर्बेंस नहीं, किसी तरह का उनको विचलित वो नहीं हुआ। 40 रुपए लेके मात्र वो अमेरिका गए, है ना। और 40 रुपए आज के मान लो आप 4,000 होंगे, है ना। 4,000 रुपए लेके कोई अमेरिका जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकते। 4,000 रुपए लेके तो हम कहीं गोवा भी घूमने नहीं जा सकते, है ना। और वो तो प्रचार करने निकले थे जहाँ धन की इतनी आवश्यकता पड़ती है, ना खाने का पता ना पीने का पता, है ना। अपनी जान को रिस्क में डाल के 70 साल की उम्र में। तो जितने भी हमारे आचार्य हैं, जिस परंपरा में हम दीक्षित होने जा रहे हैं, उसमें जितने भी आचार्य हैं, उन सब का जीवन गुरु निष्ठा की एक मिसाल है। हमारे गुरुदेव 30 साल की उम्र में जिनसे हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, उनकी जीवनी हमें पढ़नी चाहिए। उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि शिष्य होना कैसा चाहिए, शिष्य होता क्या है, शिष्य का मतलब क्या है। जब हमारे गुरु महाराज की हम जीवनी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा शिष्य का मतलब है। गुरुदेव को जब प्रभुपाद मिले, प्रभुपाद ने पूछा क्या करते हो, तो गुरुदेव ने बोला कि मैं इंजीनियर हूँ। तब कनाडा अमेरिका की बात है, तो गुरुदेव ने बोला कि मैं इंजीनियर हूँ। प्रभुपाद ने बोला बहुत इंजीनियर घूम रहे हैं संसार में, डॉक्टर इंजीनियर, प्रचारक बनो। तो तुरंत उन्होंने प्रचारक, तो तुरंत गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके और प्रचार कार्यों में लग गए। अपनी डिग्री फाड़ दी, नौकरी छोड़ दी, सब छोड़ दिया और जो कुछ था वो अपने गुरु के नाम कर दिया। एक मंदिर खरीदा जा रहा था, एक चर्च खरीदा जा रहा था जिसको मंदिर बनाना था, तो ब्लैंक चेक दे दिया उसने कि जितना चाहो आप भर लो, मेरे पास जितना है वो सब मैं दे दूंगा। ये दिखाता है कि गुरु निष्ठा का मतलब क्या होता है ना। तो जिस संप्रदाय में हम दीक्षित होने जा रहे हैं वहां गुरु निष्ठा ही असली गुण है, वही सर्वोपरि चीज है। आपको श्लोक आते हो ना आते हो, आप ड्यूटी वर्शिप करना आता हो ना आता हो, घर में ड्यूटीज हैं कि भी नहीं है, या किसी भी तरह का कोई नॉलेज ना हो, किसी भी तरह की कोई योग्यता ना हो, अगर आप गुरु निष्ठ हैं तो बस यस यू आर द वन, है ना, आप असली शिष्य हैं और आपका जीवन सक्सेसफुल है। क्योंकि अगर आपसे गुरु प्रसन्न है तो फिर गुरु तो उस व्यक्ति से कृष्ण प्रसन्न डेफिनेटली हो ही जाते हैं। बाकी दूसरे कई संप्रदाय हिंदुस्तान में कम ही नहीं है ऐसे संप्रदायों की, है ना। बहुत संप्रदाय हैं जिनमें हम कान फुकवाएं और घर बैठे और मंत्र का जप करें, बहुत सारे संप्रदाय हैं। कई संप्रदाय हैं जो वृंदावन भी सेटल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सब नहीं है। अ बिग नो, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि घर बैठ जाओ,
वृंदावन सेटल हो जाओ, कान फुटवा लिया है ना, भिक्षा ले ली, गुरु अपने रास्ते हम अपने रास्ते। कई बार होता है ना कि हम छत पे चढ़ते हैं सीढ़ी लगा के, और चढ़ के ऊपर सीढ़ी को लात मार देते हैं, गिरा देते हैं, जिसके माध्यम से ऊपर चढ़े उसी को नीचे गिरा दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कि आपने हमने रिक्शा ले ली और गुरु अपने रास्ते, अब हम अपने रास्ते, हम घर में बैठेंगे, सोलह माला करेंगे, का नियम पालन करेंगे, बस हो गया जीवन सफल। गुरु की एक्टिव सेवा में लगना पड़ेगा, चाहे गुरु फिर कैसी भी सेवा दें, चाहे वो टॉयलेट साफ करने की सेवा हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हो, या कुएं में कूदने की सेवा हो। कुएं में कूदने का मतलब है, तो बाद में कई सेवाएं ऐसी थी कुएं में कूदने के बराबर, पाकिस्तान में जाके प्रचार करना है ना, सऊदी अरब में जाके प्रचार करना, दुबई में, अरब कंट्रीज में हमारे कई कौन के आचार्य प्रचार कर रहे हैं, अनेकों अनेक शिष्य हैं, वहाँ के शेख जो राजा होते हैं उनकी नाक के नीचे कई शिष्य बना रखे हैं, जब जाते हैं यहाँ से तो पैंट शर्ट पहन के जाते हैं कई देशों में, है ना, देखो कितना जान रिस्क में डाल के, है ना। ये है, तो सारे आचार्य गुरु निष्ठा की मूर्तियां हैं ना, तो ये हमारे संप्रदाय का मूड है। और जब ऐसा मूड हमारा हो जाएगा, अगर है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो हमें प्रयास करना चाहिए हम इस स्तर पर आए। जब हम ऐसे स्तर पर आएंगे तो हमारा दीक्षा लेना सफल होगा, और तब वास्तविकता में जो दीक्षा की महिमा है ना, हम आप सब दीक्षा की महिमा सुन के ही तो दीक्षा लेने तक पहुंचे हैं, अगर दीक्षा की महिमा नहीं जानते तो क्यों दीक्षा लेने के लिए आते। तो वो जो महिमा है दीक्षा की, वो तब सफल होगी जब हम ऐसा मूड डेवलप करेंगे कि हाँ मुझे गुरु की सेवा करनी है, और कैसी भी सेवा करनी है, अपने कल्याण की चिंता छोड़ देनी है आज से, है ना। अगर जैसे कोई होता है ना कि जैसा एक नौकर होता है और एक स्वामी होता है, तो नौकर को जब कोई बहुत बड़े स्वामी का वो क्या कहते हैं, लॉयल लॉयल नौकर है, अगर स्वामी भक्त नौकर है, तो क्या उसको अपने घर परिवार की चिंता होती है? नहीं, वो सब टेक केयर कर लेता है स्वामी, उसको बस सारे दिन काम करना है स्वामी का। तो उसी प्रकार से हमें अपने कल्याण की चिंता आज से छोड़ देनी है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी है आज से बंद, और गुरु की सेवा की चिंता में लगना, हमारा रोटी पानी स्वास्थ्य घर परिवार सब गुरु संभाल लेंगे, गुरु सब कर सकते हैं, बस हमें उनकी सेवा के अंदर लगना है ना। एक्चुअली हमारे यहाँ पे पता है, हमारे यहाँ क्या संसार में गुरु का सिस्टम क्यों बनाया भगवान ने, कहते हैं ना गुरु बिना गति नहीं, क्यों बनाया गुरु का सिस्टम ना? गुरु का सिस्टम इसलिए बनाया क्योंकि देखिए सबको जाना है भगवान के धाम, है ना, भगवत धाम जाना है, और वहां पर जो है ना, वहां पर ऐसा नहीं है कि भाई ज्ञानी लोग ही वहां पर आ सकते हैं जिनको नॉलेज है। अगर ऐसी बात होती तो भगवान अपने धाम के नीचे ठीक नीचे एक क्लासरूम बना देते कि आओ बैचेस में पढ़ो ज्ञान लो, ऊपर प्रमोट हो जाओ। वहां ज्ञान का कोई इतना नहीं है, वहां सेवा का ज्यादा है ना, वहां पे स्वामी भक्ति का, गुरु जो भगवान के प्रति निष्ठा है उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है, सेवाओं का ज्यादा रोल है। तो क्योंकि हमें वहाँ पे सेवाएं करनी है, और वहाँ पे बहुत सारी सेवाएं होती हैं, है ना, आप सबने पढ़ा होगा निकुंजों में, कुंजों में बहुत सेवाएं होती हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, फूल चुनना, अनंत तरह की सेवाएं होती हैं, आप सब जानते हैं बेटर। तो इतनी सेवाएं होती हैं, तो उन सेवाओं की प्रैक्टिस करवाने के लिए इस संसार में भगवान गुरु को भेजते हैं कि इसको लगाओ सेवा में, ये इसके इसका मूड बने सेवा करने का ना, इसकी चेतना बने सेवा करने की। नाम जब भगवान की सेवा है, बिल्कुल है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा, और भी सेवाओं में लगना पड़ेगा, जो गुरु कहते हैं उन सेवाओं में लगना पड़ेगा, है ना। तो गुरु जो है वो हमें यहाँ पे इस भौतिक संसार में ट्रेनिंग देते हैं सेवा करने की, और फिर हम जब सेवा करते करते हमारा सेवा का मूड हो जाता है, तो फिर हम गोलोक जाने के लिए, वहां पे सेवा करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए जो गुरु कहें वो हमें करना है। कई बार होता है हम कोई बहुत अच्छा भक्ति में कार्य कर रहे हैं, भक्ति में सेवा कर रहे हैं, लेकिन गुरु कुछ और चाहते हैं, है ना, तो आपको वही करना चाहिए जो गुरु चाहे। गुरु कह रहे हैं कि मुझे पानी पिलाओ, और हम कह रहे हैं कि नहीं, आप तो हमारे गुरु हैं, साक्षात भगवान है, हम तो आपको खीर खिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स वाली, है ना, हम तो आपको खीर खिलाएंगे, पानी क्यों, पानी तो हम सबको पिलाओ।
नहीं भैया, अभी गुरु पानी मांग रहे, तुमको पानी दो। उसी प्रकार से जो गुरु कहे वो करो। अपनी बुद्धि को हमारे गुरु ग्रंथ हुआ सब जानते होंगे, उनकी माता जी कहती हैं कि गुरु महाराज के आश्रम जा रहा है, बुद्धि को यहीं घर पे ही छोड़ जा, है ना। उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत भी कहते थे कि गुरु के पास आओ तो जहाँ चप्पल खोलो वहां पे बुद्धि को भी छोड़ जाओ, क्योंकि हमारी बुद्धि गुरु का महात्मा, गुरु के वचन उनको जज नहीं कर सकती, है ना। गुरु आज्ञा न विचारणीया, गुरु की आज्ञा पे विचार नहीं करना चाहिए, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, जो कहे बस तुरंत कर दो, है ना। वैसे तो गुरु ऐसी बात नहीं है कि गुरु हमारे अंदर योग्यता ही नहीं है, हम लंगड़े हैं और गुरु कह देंगे पर्वत चढ़ जा, है ना, ऐसी बात नहीं है। अगर हम इतने गुरुनिष्ठ हैं तो तब तो हम डाउट करेंगे नहीं, तब तो वो पर्वत चढ़ा भी देंगे, लेकिन जब तक इतने निश्चित इतने गुरुनिष्ठ नहीं है तब तक गुरु ऐसे कहते भी नहीं है, वो प्रोपेंसिटी देख कर सेवा देते हैं, है ना। युक्तस्य भक्तांश च नियोजितो होती, कि भक्तों को नियुक्त करते हैं उनकी प्रोपेंसिटी चेक करके, किसको प्रसाद बनाना अच्छा लगता है ठीक है प्रसाद बना, डीटी वर्ष बच्चे ठीक है डीटी वर्ष कर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छा लगता है चल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चेला भाग जाएगा, क्योंकि अभी गुरु निष्ठा तो है नहीं पक्की। लेकिन स्टिल अगर कभी गुरु कुछ और कॉन्ट्रेरी सेवा बोले, कोई कॉन्ट्रेडिक्टरी सेवा बोले, तो उसको शिरोधार्य करके हमें वो करनी करनी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो तो साक्षात भगवान है, अब वो तो आके बोलेंगे नहीं यहाँ पर कि बेटा अब तेरे को ये सेवा करनी है, वो तो बोलेंगे नहीं, उन्होंने गुरु को भेज रखा है अपने बिहाफ पर बोलने के लिए, और गुरु बताते हैं कि ये सेवा करो, तो वो कृष्ण कह रहे होते हैं। कृष्ण में और गुरु में फर्क नहीं है, कृष्ण सेव्य भगवान है और गुरु सेवक भगवान है। सेव्य और सेवक में क्या फर्क है? सेव्य मतलब जिसकी सेवा की जाती है, जो सेवाएं ले रहा है, तो कृष्ण वो भगवान है जो सेवाएं ग्रहण करते हैं, और गुरु कौन से भगवान है? सेवक भगवान है, जो सेवा करते हुए जो है भगवान के तुल्य, लेकिन सेवा करते हैं, सेवा करते हुए हमें सिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे करो, खुद करते हैं और हमें सिखाते हैं, वो सेवक भगवान है। भगवान ने बोला है श्रीमद भागवत में 11वें स्कंध में, उद्धव को बोलते हैं कि आचार्य माम विजानु, कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, है ना। बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कि आचार्य जो है तुम्हारा, गुरु जो है वो मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे मत समझो उसको ऑर्डिनरी, है ना। साक्षात हरिप्रेम समस्त शास्त्रे तस तथा भाव्यते वा सब्जी, सारे शास्त्रों का मत है, निष्कर्ष है कि गुरु ही साक्षात हरि है। तो जब इस माइंड सेट के साथ हम लोग सारी ये सारी क्लासेस सुनेंगे और दीक्षा में दीक्षा इस माइंड सेट के साथ लेंगे, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, वरना जैसे महाराज कहते हैं ना, या तो धन्य धन्य हो जाएगा नहीं तो शून्य शून्य हो जाएगा। इस माइंडसेट के साथ हमें ये सारी क्लासेस सुननी है और दीक्षा ग्रहण करके सेवाओं में लगना है, गुरुनिष्ठ बनना है, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और बहुत लंबा ये प्रस्तावना हो गई, हम आज का टॉपिक ले लेते हैं, पेज नंबर 31 से हमें लेना था, और प्रमाणिक गुरु का यहाँ पे टॉपिक चल रहा है कि गुरु प्रमाणिक गुरु कौन है, उसकी क्या योग्यता है, और ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। आप सब तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आप कौन से गुरु लेंगे, और प्रमाणिक गुरु का चुनाव आप कर चुके हैं, लेकिन संसार में आप देखो लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, अनाथ शनाथ जगह पे दीक्षा ले रहे हैं। आप खुद बेटर जानते होंगे कितने तरह के गुरु हैं, कई तो जेल में पड़े हुए हैं, है ना, कईयों के साथ संबंध है, कुल व्याभिचारी लोग हैं, है ना, उनके उनसे उनसे लोग कान फुकवा रहे हैं। तो प्रमाणिक गुरु का हमें पता होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु कौन है, और ये सारी जो योग्यताएं चल रही हैं वो वास्तविक गुरु, जो एक सच्चा गुरु होता है उसकी योग्यताएं। कृष्ण अपने तुल्य किसी व्यक्ति को बता रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, है ना, कि कुछ किसी को भी गुरु मान लिया, हाँ वो कुछ स्पेशल होना चाहिए, और उसमें क्या स्पेशलिटी है वो सारी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पेज नंबर 31 पे ये पॉइंट नंबर 6 है, चलो प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु केवल उनका शरीर नहीं अपितु श्री कृष्ण द्वारा उनमें निवेशित तत्व एवं सिद्धांत है। गुरु गुरु जो है यहाँ पे चलो प्रभुपाद कह रहे हैं, छठा पॉइंट है कि गुरु जो है वो क्या है कि कृष्ण द्वारा निवेशित, कृष्ण ने गुरु के अंदर सारे सिद्धांत, वैदिक शास्त्रों के सिद्धांत,
और तत्व निवेशित किए, है ना। मतलब गुरु के अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, उससे उनको समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि उनके उनको मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है, कहने का मतलब है कि शरीर के एंगल से नहीं देखना चाहिए गुरु को, है ना। शरीर के एंगल से नहीं देखना चाहिए। शरीर के एंगल से देखने का क्या मतलब है कि ये तो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे खाते पीते हैं, हमारे जैसे सोते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं गुरु, है ना। कहा तो कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण के तुल्य हैं, अरे तो बीमार पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से शरीर के एंगल से नहीं देखना चाहिए। गुरु है कृष्ण द्वारा निवेशित तत्व और वैदिक शास्त्रों के सिद्धांत, वो गुरु की पोजीशन है। खाली शरीर के एंगल से ना देखो, शरीर के एंगल से देखेंगे तो बहुत ज्यादा अपराध होंगे, है ना, बहुत अपराध होंगे। आचार्य मां विजानियत न अवमनेत परिचित, न मर्त बुद्ध आश्रियत सर्वदेव मोहिते। भगवान कह रहे हैं न मर्त बुद्ध आश्रियत, कि आचार्य में मर्त बुद्धि, सांसारिक बुद्धि मत रखो कि तो हमारे जैसे हैं, मर जाएंगे, है ना, एक दिन, और बीमार पड़ते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। ऐसी बुद्धि मत रखो, ऐसी बुद्धि रखेंगे तो असूया उत्पन्न होगी। न मर्त बुद्ध आश्रियत, असूया उत्पन्न होगी, मतलब ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी गुरु के प्रति, कि जब यही इस पोजिशन पर है, इतना आनंद ले रहे हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, सब इनके आगे पीछे हो रहे हैं, इनकी पूजा पाठ हो रही है, और जबकि है तो मेरे जैसे ही, तो मैं भी इनके जैसा बन सकता हूँ, है ना। गुरु के प्रति एक ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो गुरु को उनका शरीर मानने से बचना चाहिए। गुरु को क्या मानना चाहिए कि ये कृष्ण द्वारा निवेशित तत्व और सिद्धांत है, खाली शरीर नहीं है, कृष्ण द्वारा निवेशित तत्व और सिद्धांत है। जैसे रामचंद्रपुरी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के एक और शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी। यानी ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी क्या हो गए, गुरु भाई हो गए। रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु, जब उनके गुरु यानी माधवेंद्रपुरी, श्री माधवेंद्रपुरी जब देह त्याग की अवस्था में थे, है ना, फाइनल टाइम्स जब उनके चल रहे थे, तो उनका उनके शारीरिक स्थिति देख के उन्होंने बड़े अपराध किए। तो बोला कि क्या आप ये करते रहते हो, है ना, हा राधे हा राधे बोलते रहते हो, ब्रह्म में ध्यान लगाओ, इस तरीके से दर्द में छटपटाना कोई अच्छा लगता है। इस तरीके से उन्होंने अपने गुरु के प्रति बहुत अपराध किए, और अपराध किए तो क्या हुआ कि जो व्यक्ति गुरु के प्रति अपराध करता है, फिर वो कृष्ण को भी नहीं छोड़ता, वो साक्षात भगवान के प्रति, साक्षात हरि के प्रति भी अपराध कर देता, और फिर कहाँ उसका स्थान रहेगा इस संसार में। फिर धीरे धीरे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साक्षात श्री कृष्ण उनके प्रति भी अपराध कर दिया। उनके घर गए और चींटियां देखने लगे कि जरूर ये तुम, उनको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि जरूर तुम मीठा खाते हो, तुम सन्यासी का आचरण नहीं करते, इसलिए तुम्हारे घर में चींटियां हो रही थी। इस तरीके से उनको क्रिटिसाइज करते, है ना। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, गुरु को उनका शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि गुरु की पोजीशन तत्व समझना चाहिए, है ना। सातवां, श्री गुरु अध्यात्म में आत्मसिद्ध होने चाहिए। एक गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो, अपितु तो महान भक्त भी हो, जिसे गुरु की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। आत्म उच्चारण अर्चना, आत्मवित का अर्थ है स्वरूप सिद्ध जीव या प्रमाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, वह प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं गुरु महाराज सातवें पॉइंट में, कि सबसे पहली बात तो प्रमाणिक गुरु हमेशा एक भक्त होता है, भगवान कृष्ण का भक्त होता है। अगर भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो फिर वो प्रमाणिक गुरु नहीं है, फिर गड़बड़ है कुछ ना कुछ, है ना। जैसे कई बार आसाराम बाबू बोल देते थे कि मैं ही साक्षात भगवान हूँ। कई गुरु बोलते हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं या उनका अवतार बोलते हैं, या कई गुरु होते हैं जो कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते। तो ये सबको हमारे शास्त्रों में नकारा गया, सबको गड़बड़ बताया। प्रमाणिक गुरु सबसे पहले कृष्ण का भक्त है ना। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या बताया इस पॉइंट में, कि गुरु वो है जो शास्त्रों में निष्णात है, पारंगत है शास्त्रों में। शास्त्रों का पारंगत होने का मतलब
ये नहीं है कि उसके टिप्स पे अनंत अनंत श्लोक हैं, जैसे होता है ना ब्राह्मणों को बहुत सारे श्लोक याद होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको निचोड़ पता है। शास्त्रों में पारंगत होने का मतलब है कि शास्त्रों की शिक्षा है उसको पता है, शास्त्र के अनुरूप ही वो बोलता है, शास्त्र से दाएं बाएं नहीं बोलता कि मन में आए जो कुछ बोल रहे। इसलिए प्रभुपाद ने जब चार नियम दिए, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन और नो गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग का मतलब वैसे तो जुआ होता है, लेकिन प्रभुपाद ने ये भी बोला कि तुम्हें जुआ भी नहीं खेलना, और शास्त्रों से दाएं बाएं बोलने को भी उन्होंने जुआ ही बोला, स्पेकुलेशन है ना, मन से अपना कुछ लेक्चरबाजी करना है ना, मन से कुछ कुछ बोलना, धर्म प्रचार पर जाए और मन से कुछ कुछ बोलने लग जाए है ना, जिसका शास्त्रों से कोई लेना देना ना हो। तो उसको प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली मना किया है, चार नियमों की कैटेगरी में रखा है स्पेकुलेशन के अंदर, है ना। तो गुरु वो है जो शास्त्रों से बोले। हमारे गुरु महाराज कई बार डंके की चोट पे बोलते हैं और इतना सुंदर लगता है उनके मुख से सुन के, बोलते हैं कि मेरा एक एक शब्द श्रील प्रभुपाद और शास्त्रों से है, इसके इर्द गिर्द एक शब्द भी नहीं होगा, है ना। और यही वास्तविकता में प्रमाणिक गुरु की लायकात है। आप देखो कि गुरु क्या क्या नहीं बोलते हैं, इंडिया में जितने गुरु हैं सब अपने स्वयंभू गुरु बने हुए हैं, है ना, सेल्फ मेड गुरु बने हुए हैं, बिल्कुल इतना अनाप शनाप बोल देते हैं कई बार तो, भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर देते हैं कई बार। फिर इस्कॉन के गुरु आते हैं और फिर उनको उनकी बात पे एनालिसिस देते हैं पूरा, हाँ। तो ये गलत है, गुरु वह है प्रमाण जो शास्त्रों में पारंगत है, उसके आचरण में ही दिखाई दे जाएंगे शास्त्र सबसे पहली बात, है ना। ऐसा नहीं कि दूसरों को ज्ञान दे रहा है और खुद उसका पालन कर नहीं रहा, खुद के आचरण में वो है नहीं। दूसरों को कह रहे हैं कि भाई मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, इलिसिट सेक्स नहीं करना, और खुद खुद के कई कई स्त्रियों से अफेयर है। ज्यादातर बाबाओं का क्या है, यही तो सब गड़बड़ हो रहा है ना। तो गुरु वो है शास्त्रों में निष्णात है, और जो वो प्रीच कर रहा है वो खुद भी प्रैक्टिस भी करता है, खुद से करता भी है ना। और निष्णात होने का क्या मतलब है, कि शास्त्रों का एंड रिजल्ट भी पता है ना, शास्त्रों का निष्कर्ष भी पता है। निष्कर्ष क्या है, श्री कृष्ण परम भगवान है, उनकी सेवा में लगना, ये शास्त्र का निष्कर्ष है। ये जिसको पता है वो प्रमाणिक गुरु है, वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। आठवां पॉइंट है, गुरु दिव्य ज्ञानी होना चाहिए। दिव्य ज्ञान का अर्थ है संबंध अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान। संबंध ज्ञान का अर्थ है जीव का श्री कृष्ण के साथ दास स्वामी भाव, जीव का सृष्टि के साथ संबंध, अर्थात जीव कैसे भौतिक सृष्टि में सुख दुख भोगता है और आध्यात्मिक सृष्टि में कैसे जीव सुखी रहता है, आदि ज्ञान को संबंध ज्ञान कहता है। प्रयोजन ज्ञान का अर्थ है क्योंकि अब मैंने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया है तो मेरे जीवन का परम चरम लक्ष्य जो मनुष्य योनि में ही समझ आ सकता है वह है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम। संपूर्णतया अपने हृदय में, संपूर्णतया अपने हृदय में जागृत करना, इसके लिए अभिधेय तत्व है। वह प्रेम जागृत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस कलयुग में पृथ्वी पर सबसे सरल और सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम अभिधेय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन और जप करना, यही दिव्य ज्ञान है और गुरु को यह दिव्य ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गुरु ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी कैसा ज्ञानी, ज्ञानी होना चाहिए दिव्य ज्ञानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, स्कॉलरली होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे गुरु के गुरु यानी श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद है ना, और जो उनके गुरु थे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, संसारिक दृष्टि से क्या बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं इसमें, लेकिन परम दिव्य ज्ञानी थे, है ना। तो संसारिक ज्ञान होना कोई लायकात नहीं है, लायकात है कि दिव्य ज्ञानी होना चाहिए। और दिव्य ज्ञान का अर्थ है
संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान, इन तीन चीजों का ज्ञान। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन का क्या मतलब है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को हम पांच बातों से समझते हैं। पहली बात, जो हमारे गुरु महाराज के लेक्चर्स में कूट कूट के भरी हुई है, उन्होंने घुट्टी बना के हमको पिला रखी है। क्या है वो पांच बातें? कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। दूसरी बात, तीसरी बात, आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। चौथी बात, जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है ना, इसलिए अंश को अंश की सेवा करनी पड़ेगी, जीव को कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। और पांचवी बात कि कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा है उनके नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान, इसको कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान। तो इसमें गुरु जो है वो पारंगत होना चाहिए, है ना। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमारे यहाँ दिया जाता है हमारी परंपरा में, है ना, तो वो जो है वो प्रमाणिक महामंत्र है ना, वो प्रमाणिक है वो मंत्र। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस्कॉन वालों ने कुछ नया निकाल दिया, ऐसा नहीं है, ये प्रमाणिक है, शास्त्रों का ये निष्कर्ष है। कली संतरण उपनिषद आपने सबने पढ़ा होगा, है ना, दीक्षा कोर्स में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया जाता है। कली संतरण उपनिषद में बताया जाता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम नाम कली कल्मषनाशनम्, नाता परतर उपाय सर्व वेदेश दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इन 16 नामों के अतिरिक्त कलयुग के कलमश से, एक्चुअली नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से कि मैं कलयुग पे भ्रमण के, मैं संसार में भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ पृथ्वी पर, और कलयुग का समय था, तो कलयुग के कलमश से मैं कैसे बचूंगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जपो, और इन 16 नामों के अतिरिक्त मुझे सारे वेदों में, सारे वेदों में कोई उपाय दिखाई नहीं देता जो तुम्हारी रक्षा कर सके। तो ये जो महामंत्र है ये वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है ना, सारे शास्त्रों का ये मत है। श्रुति स्मृति पुराणे भारते तथा आदव अंत च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, हरि का नाम का ही गुणगान किया गया है। कहाँ पर? श्रुति शास्त्रों में, स्मृति शास्त्रों में, पुराणों में, भारत मतलब महाभारत में, रामायण में, सब जगह सारे वैदिक शास्त्रों में हरि के नाम का ही गुणगान किया गया। और जो श्रीमद् भागवतम है हमारा वो क्या है? ग्रंथराज है, सारे वैदिक शास्त्रों का परिपक्व फल है, निचोड़ है। वो कहते हैं ना इस बगीचे, इस आम के बगीचे का सबसे परिपक्व आम ये वाला है, सबसे मीठा। हाँ, तो उस प्रकार के सारे वैदिक शास्त्रों के बगीचे का सबसे परिपक्व जो फ्रूट है, राइपन्ड फ्रूट जो है वो है श्रीमद् भागवतम, सबसे रसीला, है ना। और उसमें भी आदि शुरू में, अंत यानी आखिर में और मध्य में सब जगह हरि का ही गुणगान किया गया है, हरि के नामों का कीर्तन की ही संस्कृति की गई है। शुरू में श्लोक आ जाता है, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम् योगिनाम निर्प्रणीतम हरे नामानुकीर्तनम्, कि हरि का नामों का कीर्तन करना है सबको, योगी हो चाहे भोगी हो चाहे रोगी हो, है ना, सबका एक ही मत है। सारे कह रहे हैं योगी नाम ने प्रेरणा, सारे राजाओं ने, सारे योगियों ने ये निष्कर्ष निकाला श्रीमद् भागवत की मीटिंग का कि हरे नामानुकीर्तन करना, है ना। अंतिम श्लोक क्या है? नाम नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्, है ना, कि जिनके नामों के संकीर्तन से, आखिरी श्लोक श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष, जिनके नाम संकीर्तन से सारे पापों का प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो। तो श्रीमद् भागवत भी सिर्फ और सिर्फ भगवान के नामों के उच्चारण, उनके नामों के जप संकीर्तन के लिए ही रेकमेंड करती है कलयुग में। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें हमारी पूरी, इस पे जिस गुरु की दृढ़ श्रद्धा है, जो ये मंत्र देता है शिष्य के कान में, हम तो कान में, इस कान में तो कान में भी नहीं दिया था, खुले में बोला जाता है ना, तो वो गुरु प्रमाणिक गुरु है। और कोई मंत्र दे रहा है तो वो प्रमाणिक गुरु नहीं है। कोई देवी देवता का मंत्र दे रहा है, कोई सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि फलाना ढिमकाना, तो वो प्रमाणिक गुरु नहीं है, है ना। नवा पॉइंट, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार प्रमाणिक गुरु वह है जो शिष्य को दीक्षा के समय का आध्यात्मिक नाम दे, अर्चा विग्रह की पूजा का ज्ञान दे,
तिलक लगाने की विधि बताए, साधना हरे कृष्ण महामंत्र भजन करने की विधि बताए, और हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करें। तो श्री भक्ति नाथ ठाकुर कह रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु जो है वो दीक्षा के समय ये सारी चीजें देता है, और ये सारी चीजें आपको भी मिलेंगी दीक्षा वाले दिन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिसका सबको एक्साइटमेंट भी रहता है और जो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, वो है हमारा आध्यात्मिक नाम, है ना, हमारा आध्यात्मिक नाम। बहुत सुंदर सुंदर नाम हो जाएंगे आप सभी के कुछ ही दिनों में। अभी चाहे हमारे कैसे ही नाम हो, अजीब से संसारिक नाम हो, लेकिन जल्दी हमारे बहुत सुंदर सुंदर नाम हो जाएंगे। और सबका नाम क्या होगा, सेम, सबका नाम सेम पड़ेगा, है ना, सबका नाम सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा, अभी सबका म्यूटेड है इसमें मैं पूछ नहीं रहा, मैं खुद ही बता देता हूँ। सबका नाम कैसे सेम हो जाएगा, शुरू में हो सकता है कुछ भी हो, राधा गोकुलानंद, विशाल कृष्ण, विपिन बिहारी, अलग अलग कैसे भी नाम हो, लेकिन अंत में क्या होगा, दास या दास, है ना, तो सबका नाम सेम हो जाएगा। तो ये जो दास है दासी है, इस पर ज्यादा हमें मेडिटेट करना है, आगे वाले पार्ट पे इतना मेडिटेट नहीं करना, आगे वाले पार्ट को ज्यादा इंजॉय नहीं करना, पीछे वाले पार्ट में ज्यादा आनंद है। दास या दासी, हम दास या दासी बन जाएंगे, और किसके दास या दासी बन जाएंगे, गुरु के। पहले अभी तक तो मन मर्जी चल रही थी, मन के दास थे, है ना, राजा बोलते हैं अपने आप को, हम राजा हैं मन के, लेकिन अब क्या होगा, अब गुरु के दास बन जाएंगे, है ना, राधा गोकुलानंद दास, ये व्यक्ति गुरु का दास है। गले में डाल दिए जाएंगे तीन पट्टे, एक राधा का, एक कृष्ण का और एक गुरु का, है ना, तो गले में पट्टे डाल दिए जाएंगे, है ना। तो वो जो पोजीशन है वो बड़ी आनंददायक पोजीशन है। सड़क पे कुत्ते घूम रहे होते हैं, है ना, गाड़ी वाड़ी के नीचे आ जाता है, बेमौत मर जाता है, लेकिन जिसके गले में पट्टा होता है उसके साथ स्वामी भी होता है हमेशा, कोई ना कोई अकेला नहीं घूम रहा होता, तो हम वैसे हो जाएंगे, है ना। तो गुरु के दास बन जाएंगे, और जब गुरु के दास बन जाएंगे तो जितनी आप सेवा करना चाहते हो कृष्ण को, कृष्ण सब एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बिना तीन पट्टे गले में उस कुत्ते की कोई सेवा एक्सेप्ट नहीं करते कृष्ण, लेकिन जिस कुत्ते के गले में तीन पट्टे हैं उसकी सारी सेवा कृष्ण एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जल्दी हमारे गले में तीन पट्टे हो जाएंगे, हमारा आध्यात्मिक नाम हो जाएगा दास या दासी, और बड़ा सुंदर हो जाएगा, कृष्ण हमारी सेवाएं एक्सेप्ट करेंगे, करने लग जाएंगे तब से। आगे 10वें पॉइंट में कह रहे हैं, गुरु कृष्ण भावनामृत में स्थित होने चाहिए, शाब्दे परे च निष्णातम, श्री गुरु शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण होना चाहिए, और इस ज्ञान के बल पर अन्य को प्रचार प्रसार करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे गुरु निष्णात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं गुरु महाराज, कि प्रचार प्रसार करने में सक्षम होना चाहिए। एवरी वन कैन प्रीच एंड एवरी वन मस्ट प्रीच, है ना, सब प्रचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, है ना, ऐसा कभी भी हमें नहीं सोचना है। हम सबको प्रचार करना है, गुरु का ऋण तभी उतरेगा। दीक्षा लेके हम गुरु पे ऋण नहीं चढ़ा रहे कि गुरु पे हमने एहसान कर दिया दीक्षा लेके, गुरु हम पे एहसान कर रहे हैं हमें दीक्षा लेके, है ना। तो हमें प्रचार प्रसार में लगना है, सबसे पहला कर्तव्य हमारा यही है कि गुरु का प्रचार प्रसार में सहयोग करना है, तो तुरंत अपने आप को एंगेज होना है। तो जो व्यक्ति प्रचार प्रसार करे वही प्रमाणिक गुरु है, और अगर कोई बाबा जी बन के बैठा हुआ है तो उनके लिए यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया गया, आप उनको उनसे दीक्षा मत लो। तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो वास्तविकता में गुरु है, और नेक्स्ट पॉइंट उससे क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट उसी से लिंक है कि गुरु जो है वो कृष्ण से कृपा प्राप्त होनी चाहिए, उनके अंदर कल्याण की भावना होनी चाहिए। जो प्रचार प्रसार कर रहा है उसी के अंदर तो कल्याण की भावना है। जैसे श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में बढ़िया भजन करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे, कहाँ दिक्कत है, प्रभुपाद इतने आत्मसिद्ध और स्वयं सिद्ध भक्त हैं, क्या कहते हैं, मतलब सेल्फ रियलाइज भगवान के भक्त हैं, ऊंचे भक्त हैं, तो डेफिनेटली बहुत सुंदर भजन करते होंगे, समाधि लगती होगी जो भी कुछ है। लेकिन हम लोगों का कल्याण करना था, हम जैसे पापियों का, तो उन्होंने क्या किया कि प्रचार प्रसार में जुट गए। तो गुरु की योग्यता है ये कि उसके अंदर कल्याण की भावना होनी चाहिए। प्राप्तस्य कल्याण गुणान अवस्थ्य, कृष्ण के द्वारा कल्याण की भावना उनके अंदर प्रेषित की जाती है, और फिर वो प्रचार प्रसार में लगते हैं। ये दोनों पॉइंट इंटरलिंक है, तब ऐसा व्यक्ति प्रमाणिक गुरु कहलाता है। अगर प्रचार प्रसार की भावना ही नहीं अंदर, अपना ही
भजन आनंद करने की भावना है कि बस मैं तो कथाओं में रमता रहूं, है ना, वृंदावन में रमता रहूं, तो उसको यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो थोड़ा सा उसको देख लो, लेकिन प्रचार प्रसार की भावना जिसके अंदर है, कल्याण की भावना जिसके अंदर है जीवों के प्रति, वो ही प्रमाणिक गुरु है। ऐसे गुरु को हमें धारण करना चाहिए। 12वां पॉइंट है, समय हो चला है तो हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं। गुरु निष्काम, निर्लोभी, निस्वार्थी, निरपेक्ष, अकिंचन, निर्मत्सर होने चाहिए। ना धनम, ना जन्म, ना सुंदर कविता वह जगदीश स्वामी। सरल शब्दों में प्रमाणिक गुरु को शिष्य से धन, मान, सम्मान, सुंदरी की अपेक्षा के बिना उसे दिव्य ज्ञान देना चाहिए। गुरु को किसी चीज का लालच नहीं होना चाहिए कि मेरे शिष्य हो जाएंगे बहुत सारे, मेरे फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स हो जाएंगे, ट्विटर पे 10,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स, और फिर सब मेरे को धन देंगे, मेरा मान सम्मान करेंगे, मैं जाऊंगा तो एकदम ऐसे दंडवत सब बिछ जाएंगे जमीन पे। ऐसा नहीं गुरु को होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं गुरु के प्रति क्योंकि वो कृष्ण के तुल्य है ना, वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें इस संसार के दलदल से निकालने का ठेका उठा रखा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सेवा करें, मान सम्मान दें, धन दें, सब कुछ दें, लेकिन गुरु के अंदर ये लालच नहीं होना चाहिए, ये लोभ नहीं होना चाहिए, उनके लिए सब बराबर है, दे ना दे सब बराबर है ना। 13वां पॉइंट है, ये बहुत लंबा पॉइंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसका क्रक्स ये है कि गुरु सहिष्णु होना चाहिए, शांत सहिष्णु। आज सुबह भी मैं महाराज को सुन रहा था तो उसमें भी यही पॉइंट आया, महाराज बोल रहे थे कि महाराज अपने गुरु को ग्लोरीफाई कर रहे थे कि प्रभुपाद जो है जो शांत जो है, शांत होना, सहिष्णु होना भक्त की टॉपमोस्ट क्वालिटी है ना। तो प्रभुपाद तो गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद इतने शांत है, इतने सहिष्णु है कि उनका भगवद गीता की टीका लिखी उनकी धर्म पत्नी ने उठा के वो कबाड़ी को भेज दी। तो शांत, कोई पंगा नहीं, कि संसार, गुरु महाराज बोलते हैं कि संसार का अंत नहीं आ गया, है ना, संसार का अंत नहीं आ गया, मेरे अंदर शक्ति है। प्रभुपाद सोचे ऐसे कि मेरे अंदर शक्ति है, मैं दोबारा लिख लूंगा। प्रभुपाद का टाइपराइटर चोरी हो गया अमेरिका में, फिर से टाइपराइटर चोरी हो गया और उनका राइटिंग वर्क है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन शांत, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई अंदर कोई उद्वेगित होने की भावना नहीं, शांत, मैं दोबारा कर लूंगा, है ना। तो ऐसा गुरु का आचरण होना चाहिए, शांत। आप हमारे गुरु महाराज को देखो, हमेशा शांत रहेंगे, आप बड़े से बड़े गलती करके पहुंच जाओ कुछ नहीं कहेंगे, शांत, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। क्या बोलते हैं कि सिर पे जैसे 100 किलो की बर्फ रखी हो, महाराज बोलते हैं ऐसा हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, कोई गर्मा गर्मी नहीं, शांत, सदैव शांत, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। 14th पॉइंट है, श्री गुरु श्री कृष्ण की भक्ति में निपुण और रत रहते हैं, इसलिए वे संसार तनिक भी भयभीत नहीं होते। गुरु को कोई भय नहीं है ना, गुरु को कोई भय नहीं है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सभी के सुहृद, मित्र और शुभेच्छु हैं। इस तथ्य को गरीबती जानने वाले ही संसार के गुरु हो सकते हैं, है ना। किसी की अगर मोदी से या मुख्यमंत्री से पहचान है तो कैसे वो सड़कों पर निडर होकर घूमता है ना, अपराध करता है। गुरु की तो साक्षात श्री कृष्ण से पहचान है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है, तो उनको किस चीज का भय, उनको किसी चीज का भय नहीं होता। 15वां, श्री गुरु भगवान श्री कृष्ण के परम विश्वास पात्र दास होते हैं, वे भगवान को परम प्रिय होते हैं और इसलिए उन्हें भगवान कृष्ण से अभिन्न माना चाहिए और वे श्री गुरु हरि से मधुर किए जाते हैं। एक बात हमें विशेष ध्यान रख लेनी चाहिए है कि गुरु जो है हमारे, वो कृष्ण को बहुत 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 प्रिय है। अगर हमने कुछ गड़बड़ करी गुरु के प्रति, कृष्ण हमें बहुत पिटाई लगाएंगे, है ना। ये ध्यान रखना चाहिए ना कि गुरु हमारे जो है बहुत कृष्ण को प्रिय है, तो ऐसा भी जान के हमें उनके प्रति जो हमारा आचरण है उसके प्रति, उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के प्रति हमारा कैसा आचरण है ना, कैसा हमारा उनके प्रति भाव होना चाहिए। श्री गुरु का समस्त तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे जीव तत्व, शक्ति तत्व, शिव तत्व, गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, भागवत तत्व, नाम तत्व, सारे तत्वों का गुरु को ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानी नहीं होना चाहिए गुरु को, सांसारिक दृष्टि से भले अज्ञानी हो लेकिन जो शास्त्रों की दृष्टि से है ना, वैदिक ज्ञान
दिव्य ज्ञान की दृष्टि से गुरु को परम ज्ञानी होना चाहिए। गुरु को इतना समर्थ होना चाहिए कि अपने शिष्य को भगवत धाम ले जाए, है ना। इतना समर्थ तो होना चाहिए गुरु को कि अपने शिष्य का कल्याण करा सके, है ना, उसका सेल्वेशन लिबरेशन करा सके। जैसे गुरु महाराज कई बार एग्जाम्पल लेते हैं कि आजकल के लोग ऐसे गुरु चूज करते हैं कि वो खुद तो हम बद्ध आत्मा है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और ऐसा गुरु चूज कर लिया जिसके खुद के भी हाथ बंधे हुए हैं, उसको बोल रहे हैं कि गुरु मेरे को छुड़ाओ, और गुरु बोलते हैं अरे मैं कहाँ से छुड़ाऊँ, मैं खुद बंधा हुआ हूँ। गुरु खुद जेल में सड़ रहे हैं, है ना, संसार में जेल में सड़ रहे हैं, और ऐसे लोगों को गुरु ढूंढ लिया। तो गुरु का काम है, गुरु हम ढूंढते हैं ताकि हमारी गति हो सके, है ना, हमारे इस संसार से निकल सके, इस संसार से, है ना, इस दुख में संसार से मुक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन गुरु ऐसा ढूंढ लिया जो खुद ही ऐसे काम कर रहा है, जो जेल में पड़ा हुआ है ना, जो खुद अपना कल्याण नहीं कर सकता, देवी देवताओं का उपासक है, स्वर्ग में ले जाएगा, पितरों का उपासक है, पितरों के पास ले जाएगा, पितृ लोक में ले जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे गुरु ढूंढ लेते हैं। ब्रह्म का उपासक है, ब्रह्म लोक ले जाएगा, वहां से भी गिरना पड़ता है, ऐसे गुरु को ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे गुरु प्रमाणिक गुरु नहीं है, क्योंकि वो खुद तो वापस आ ही रहे हैं और शिष्य को भी वापस लाने आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। गुरु वो होना चाहिए जो खुद तो निकलेगा ही डेफिनेटली, और शिष्य को भी निकाल सके यहाँ से। आज 18वां पॉइंट है, शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य कि वो अपने शिष्य को भगवत धाम वापस ले जाए, यदि वैसा नहीं कर सकता उल्टे अपने शिष्य के भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है तो वह गुरु नहीं हो सकता। तो शास्त्रों का यहाँ पर बताया गया है इंटरलिंक पॉइंट है इन दोनों, कि गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य को भगवत धाम वापस लेकर जाए। और कल भी मुख्य प्रेसी माता जी बड़ा सुंदर बता रही थी कि जब तक सारे शिष्य भगवत धाम नहीं पहुंच जाते तब तक गुरु वापस आते रहते हैं, क्योंकि कल्याण की भावना है, शिष्य वत्सल है ना, और एक तरफ उनकी जिम्मेदारी भी है कि सारे शिष्य भगवत धाम पहुंचे। तो यहाँ पे हमारी भी जिम्मेदारी उत्पन्न होती है कि हम थोड़ा सा ढंग से बिहेव करें, ऐसे काम ना करें कि गुरु को बार बार हमारी वजह से आना पड़े, ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना। गुरु रस्सी डाल रहे हैं, हम कुएं में पड़े हुए हैं, रस्सी डाल रहे हैं गुरु, और हम उस रस्सी को भी नहीं पकड़ रहे। इतना तो काम है हमारा कि हम कुएं में पड़े हुए हैं, हमें निकलना भी है, निकलने की इच्छा भी है, लेकिन गुरु रस्सी डाल रहे हैं तो रस्सी भी नहीं पकड़ रहे, हमें सिर्फ रस्सी पकड़नी है ना। और महाराज कहते हैं अपने लेक्चर में कि कड़ा काम कौन कर रहा है, शिष्य कर रहा है या गुरु कर रहा है? शिष्य को सिर्फ रस्सी पकड़नी है, गुरु ढूंढ के रस्सी ला रहे हैं, रस्सी उसको अंदर डाल रहे हैं, रस्सी से उसको बाहर खींचेंगे, इतने भारी शिष्य को, है ना। तो कड़ा काम कौन कर रहा है, गुरु कर रहे हैं शिष्य कर रहे हैं? तो शिष्य को खाली रस्सी पकड़नी, तो इतना काम तो ढंग से करे। 19वां पॉइंट, श्री गुरु अपने शिष्यों के पापों को हरने में सक्षम होने चाहिए, है ना। भिक्षा के समय गुरु भगवान कृष्ण से कृपा प्राप्त कर शिष्य के समस्त पापों को हर लेते हैं, कुरियात पापस्य संशय। तो जिस दिन भिक्षा होती है हमारी, उस दिन सारे पापों का संशय हो जाता है ना। दिव्य ज्ञान तत्व दद्यात् कुरियात् पापस्य संशय, सारे पापों का संशय मतलब नाश हो जाता है उस दिन। गुरु सारे पापों को क्या कर देते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, जीरो कर देते हैं उस दिन, नलीफाई कर देते हैं। तो प्रमाणिक गुरु है जो ऐसा कर सकते हैं, है ना। और डेफिनेटली हम जहाँ दीक्षा ले रहे हैं स्वाम संस्था में, जिन गुरु से दीक्षा ले रहे हैं हमारे गुरु महाराज, वो ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा पॉइंट यहीं तक ही थे, नंबर 35 तक। तो ये सारी लायकात हमने देखी पॉइंट नंबर 19 तक, ये प्रमाणिक गुरु की लायकात है जो कि हमें जाननी चाहिए, और ये हमें औरों को भी समझाना चाहिए, है ना। इसी से प्रचार होगा, जब ये चीजें हम समझाएंगे लोग कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, अजीब अजीब जगहों पर फंस रहे हैं, अजीब अजीब गुरुओं के साथ फंस रहे हैं, तो उनको समझाना चाहिए हमें, है ना। हमें तो समझ में आ गया इसलिए हम दीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, लेकिन औरों को भी समझाना चाहिए। तो समय हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहाँ पे। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम प्रभु जी। दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दोनों प्रभु जी। आप जो गुरु के तो आवाज नहीं आ रही आपकी।
हरे कृष्णा हरे ननोत्तम प्रभु जी। कृष्ण, हाँ भाई, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हम दंड प्रणाम माता जी। वन बाय वन ले लेते हैं, कोई भी एक आप पूछ लीजिए। मैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ पूछिए पूछिए आज माता जी। आपके लिए आपने सुंदर लेक्चर दिया, इसके उस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इतनी अच्छी बात बताई कि हम दीक्षा क्यों लेते हैं, और हमारे अनेक प्रायोजन होते हैं, लेकिन हम सारे प्रायोजनों का एकमात्र केवल मार्ग एक ही है, एकमात्र लक्ष्य के गुरु की सेवा करें हम। गुरु ही हमारी सारी संपत्ति है, सब अभिलाषा सारे हमारे सब कुछ गुरु ही है। यदि हम गुरु की सेवा निरपेक्ष रूप से अच्छी तरह करेंगे, तो वो उसी से हमें सारे सब कुछ भगवत धाम सब प्राप्त हो जाएगा। और आपने गुरु के काफी सारे ये बताए, सारे गुण बताए, और आपके इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समराइज कर दिया पूरा, बहुत काम आसान कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। और मेरा कुछ भी नहीं है, सब गुरु महाराज का ही सुनते हैं और वही बोलने का प्रयास करते हैं। तो श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, दोनों प्रणाम। यस माता जी, भी बहुत सुंदर किया, और जैसे पता ही नहीं चला 1 घंटा कम कर गया। और हम लोग थैंक बोलूंगी मैं अपने मार्गदर्शक। हरे कृष्णा, ये नेटवर्क का इतना इश्यू क्यों है आज, मुझे समझ नहीं आ रहा, आवाज ही नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। दो व्यक्ति और, एक ये शून्य लाल शाह प्रभु जी हैं, इनका जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से, तो प्रभु जी आप ये देखिए। हाँ तो प्रभु जी, जिनके यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो अपना ना चैट पे लिख दीजिए, अगर कोई प्रश्न है तो हम चैट पे फिर हम आंसर कर देंगे। कोई माता जी का प्रश्न था आगे? माता जी आप पूछिए। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम, हाँ बढ़िया आ रही है माता जी, एकदम बताइए। हाँ तो प्रभु जी, मैं थैंक्स, मैंने मेरे कहने से मैं बहुत आज मतलब कि थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने मार्गदर्शक गुरु को और शिक्षा गुरु को। वो ऑनलाइन भी होंगे तो मैं, क्योंकि तो हम लोग कहीं और नहीं भटके, वरना कल भी मेरी किसी से वार्ता हो रही थी, तो बहुत अच्छी है वो माता जी, लेकिन ना वो अब वो गुरु जी के चक्कर में पड़ गई है। तो मतलब इस तरीके से ना, मतलब इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद ही लोग ना सही राह पे और सही जगह पे नहीं जा रहे हैं, तो वो अपना कल्याण कहाँ कर पा रहे हैं ना प्रभु जी। और रियली सच में ये जो आप क्लास ला रहे हैं ना, तो जिनकी दीक्षा हो रही है वो तो भाग्यशाली है ही, लेकिन हम भी बहुत भाग्यशाली है कि हमें इतना डिटेलिंग में महाराज के बारे में सुनने के लिए मिल रहा है, गुरु के बारे में सुनने के लिए मिल रहा है। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो सारे मास्टर जी, अब ये आदत तो सबको पड़ी जाएगी 1 महीने में, तो आप ना और भी बुक्स प्रभु जी इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं मॉर्निंग में, तो ये टाइम सबको शूट करेगा। फिर जितनी भी गुरु महाराज की बुक्स हैं उन पर से जब हम लोग वर्क करेंगे, तो इसको बहुत डिटेलिंग में हम लोग पढ़ पाएंगे या सुन पाएंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको, मेरे इस प्रपोजल का आप आगे बढ़ाएं, और मैं थैंक्स बोलूँगी आप सबको। और रियली सच में मैं अहिर्द में, मेरे सुनवा शब्द नहीं आया, मेरी भावनाओं को समझ लीजिए कि मैं थैंक यू बोलूँगी अपने गुरु को, अपने शिक्षा गुरु को और अपने मार्गदर्शक गुरु को, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया और हमें बिल्कुल सही जगह टिका दिया, जहाँ से हमें बिल्कुल पक्के हो चुके हैं यहाँ से, तो मतलब ही नहीं कि कोई हमें हिला सके। थैंक यू गुरु जी, हरे कृष्ण। हरी बोल, जय माता दी। बहुत बहुत सुंदर आपने बताया, एंड आपका सजेशन का बिल्कुल प्रभु जी विचार करेंगे। श्यामान प्रभु जी हैं लाइन पे, वो समझ रहे होंगे, तो प्रभु जी विचार करेंगे बिल्कुल। अगर कोई बुक होगी तो जल्दी इंटीमेट कर दिया जाएगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। यस माता जी बताइए। आवाज आ रही है? प्रोफेसर मेरा एक क्वेश्चन था कि वैसे तो हम यदि प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं पर कभी कभी ऐसा होता है जो इस्कॉन के अंडर नहीं है गुरु, कभी कभी बहुत गुरु होते हैं जैसे कि कई संप्रदाय है अपने जो हमारे संप्रदाय है माध्वाचार्य के अलावा भी जो तीन संप्रदाय है वहाँ पे भी गुरु है जहाँ से मेरे फैमिली के मेंबर जुड़े हुए हैं तो उनके जो गुरु होते हैं ऐसा होता है कभी कभी शिष्य बहुत अच्छा भक्त है और गुरु भटक जाते हैं कभी कभी अपने रास्ते से, तो क्या शिष्य की भी मतलब गति नहीं होती है क्या, मतलब आगे जाके वो भी मतलब जिस जिस जगह गुरु जाते हैं उसी जगह जाएगा जबकि उसने भक्ति तो इतनी अच्छी की है और मतलब अपने गुरु के आदेशों के अनुसार नहीं पर वो कान में मंत्र फूंकते हैं जो भी करते हैं उसके अनुसार उसने अपनी भक्ति बहुत अच्छे से की, मतलब घर पे रह के की हो या कैसे भी पर उसके मन में कभी अविचार नहीं आए और बहुत अच्छे से किया पर उसका गुरु गलत निकल गया। जैसे मेरी नानी जी है वो आसाराम बापू की वो है एंड वो आज भी उनको अपना गुरु मानती है और मैं उनको बहुत समझाती हूँ वो नहीं समझती है, तो मेरा इस पे आप मुझे बताएंगे कुछ। हरे कृष्णा। नहीं ये तो ये माता जी ये ना ये तो ठीक नहीं हुआ ना, ये तो किसी व्यक्ति में श्रद्धा हो गई, जो व्यक्ति फॉलन है उसके अंदर श्रद्धा हो गई। आसाराम तो खुद ही कहते थे कि मैं खुद ही भगवान हूँ, उन्होंने कई बार बोला ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में रिकॉर्डेड है कि उन्होंने कई बार अपने आप को भगवान बता दिया, तो वो उन्होंने जो बोला उनका कोई फॉलोअर बहुत सिंसियर है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, गुरु ही बंदे हुए हैं है ना, जब गुरु ही बद्ध जीव की जैसे बिहेव कर रहा है तो वो शिष्य को कैसे तार सकते हैं, तो शिष्य का भी कोई कल्याण नहीं होगा, ऐसे शिष्य का कोई कल्याण नहीं होगा। हाँ अगर गुरु संप्रदाय में आते गुरु परंपरा में आते और शिष्य और गुरु भटक गए और शिष्य तब पक्का ठीक सही से एकदम सही से चल रहा है टीचिंग से एकदम सही चल रहा है तो शिष्य का कल्याण हो जाता, गुरु को जो होता सो होता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ परंपरा ही नहीं है कोई, यहाँ संप्रदाय ही नहीं है कोई, आपको आईडी से पढ़ाया गया होगा संप्रदाय बिना मंत्रास्ते निष्फला मता, कि अगर संप्रदाय नहीं है तो वो मंत्र वंत्र सब बेकार है, जो भी कान फुकाया जो भी किया सब बेकार है ना, सब निष्फल है। तो अगर गुरु भटक गए और वो गुरु किसी संप्रदाय से नहीं है किसी परंपरा से नहीं है तो व्यस्त है वैसे ही, तो शिष्य का भी कोई कल्याण नहीं है, और अगर ना भटकते तो भी कल्याण नहीं होता उसका। और अगर गुरु भटक गए और वो संप्रदाय से है गुरु परंपरा से है तो शिष्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर और गुरु परंपरा है गुरु के गुरु है वो टेक केयर करेंगे, उनको चिंता की जा सकता नहीं। मैंने उनको कई बार बोला कि आप अपने गुरु चेंज कर लीजिए, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं गुरु एक ही बार बनते हैं और मैं बना चुकी हूँ, वो अच्छे नहीं निकले उसमें मैं क्या करूँ, पर मेरे पास मंत्र है और मैं उस मंत्र के जरिए भगवान तक पहुंच जाऊंगी। बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई है, 19 प्लस है तो उनको ज्यादा उनको आप उनको ही बोलो कि गुरु एक ही बार बनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो गुरु प्रमाणिक गुरुओं के लिए बोला गया ये बात कि संप्रदाय चारों संप्रदाय में से कोई गुरु हो उनमें से चारों संप्रदाय में से कोई गुरु ग्रहण किया हो तब एक ही बार बनता है, लेकिन हम किसी और को गुरु मान के बैठे हुए हैं जो गुरु है ही नहीं, तो अभी तक तो मतलब आप गुरु धारण किए ही नहीं ठीक से है ना, तो ये दोबारा गुरु धारण करना नहीं होगा, ये एक्चुअली गुरु धारण करना होगा, ये फर्स्ट टाइम गुरु धारण करना होगा जब आप किसी संप्रदाय के अंदर आके दीक्षा लेंगे है ना, तो वो तो जो गुरु बना रखे थे वो गुरु थे ही नहीं, वो प्रमाणिक गुरु थे ही नहीं, तो दोबारा दीक्षा कैसे हुई। बाकी आप ना उनको कुछ इतना मत बताओ, 91 आप ऑलरेडी एज बता रहे हो, उनको आप पहले चैंटिंग में लगाओ कि चैंटिंग में वो लगे धीरे धीरे सब हो जाएगा, एकदम से इतना भारी हरे कृष्ण महामंत्र की ना हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग में लगाओ आप उनको, उनको बोलती हूँ कहती है क्यों करूँ मैं, मुझे तो मंत्र मिला है ना, ऐसा बोलती हूँ ठीक है मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी गणपत प्रणाम। हरे कृष्णा। आठ प्रश्न नहीं होंगे आज, वो ऑलरेडी 4 मिनट लेट है क्लास, तो आप यहाँ समाप्त करेंगे, आपको कोई प्रश्न वगैरह है तो कल पूछिए, किम्बल चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज।
ठीक है धन्यवाद।